कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जनाब स्पीकर, अगर आप क्वेटा के हवाले से ले लें, जैसे मलिक साहब ने अपनी बातों में कहा क्वेटा में कोई 200 से ज्यादा ट्यूबवेल पिछली हुकूमतों के दौरान बोर हुए थे, ये ऑन गोइंग स्कीम है, बोर हुए उनकी बाकी जो सामान है वो मिसिंग थे, उनके हवाले से हमने इसी फ्लोर पे बात की थी, वो भी ऑन गोइंग स्कीम है, गवर्नमेंट के अरबों रुपए उस पर लग चुके हैं। यहाँ पे मिनिस्टर फाइनेंस हमारे दोस्त हैं, भाई हैं आरिफ जान, उन्होंने इसी फ्लोर के ऊपर खड़े होकर, मिनिस्टर पीएचई साहब अभी उठ के चले गए, उन्होंने भी ये कहा, जेरे ने भी ये बात की, इन्होंने कहा कि हम फौरन जो है उस पर पैसे रिलीज कर रहे हैं ताकि 200-250 ट्यूबवेल जो क्वेटा शहर में बंद है इनको फौरन स्टार्ट करके क्वेटा शहर के लोगों की जो पानी की जरूरियात है उनको पूरा कर सके। आज दिन तक उन 250 ट्यूबवेलों के लिए जो है वासा को एक टका इन्होंने रिलीज नहीं किया। हमारे शेल्टर ने स्कूल मिनिस्टर साहब बैठे हुए, जमरक भाई ने कहा कि आप डिपार्टमेंट को कहे थे, हमने कोई इंसेंट चेक नहीं मांगा कि हमारे अकाउंट में डाल दें, हमने डिपार्टमेंट को कहा है शेल्टरलेस स्कूल इस क्वेटा शहर के अंदर कोई मसला नहीं है, जिनकी ना बिल्डिंग है जिनकी ना जमीन है, वो स्कूल किराए के बिल्डिंगों में चल रहे हैं, उनके लिए एक टका इन्होंने नहीं दिया है। जो मिसिंग फैसिलिटीज वाले हमारे स्कूल्स थे हमने जमरक भाई के आइडिया के मुताबिक ही हमने ईडीओ साहब को दिए, उधर से उनके कॉन्सेप्ट पेपर बन के आ गए हैं सेक्रेटरी एजुकेशन के ऑफिस में, उस पर उनकी जो है डीएससी की मीटिंग्स भी हो गई हैं, तमाम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन टका उनके लिए पैसा नहीं दिया गया क्योंकि उनका ताल्लुक जो है अपोजिशन के हलकों से है। क्या अपोजिशन के हलकों के लोगों ने ये गुनाह किया कि हमें वोट दिए, क्या उनका ये हक नहीं बनता है जितना जमरक के हलके के लोगों का बनता है? और वो फारसी में कहते हैं कि करदन रहो गुफ्तन रहो बिस्यार फर्क है, जमरक भाई हमें पता है स्कीमें कैसे डलती है, जो आइडिया आप हमारे लिए सजेस्ट कर रहे हो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे अल्लाह आपको इतनी इखलाकी जरूरत है कि आप खुद भी उस पर अमल करें। आप लोग की तो BC1 जो है टोकरियों में भर भर के रात को आप लोग PND डिपार्टमेंट जाते हैं, 5 साल गुजारे है अपोजिशन टोकरियां भर भर के आप PC1ों के जो है वहाँ पे PND डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में रह के मजबूरियां होती है, और हमारे लिए ये फार्मूला अपने लिए वो फार्मूला, ये कोई फार्मूला नहीं है, सबके इलाकों में हमने आज तय किया है कि बलोचिस्तान में एक ही हुकूमत चलेगी एक ही तरीके कार के मुताबिक चलेगी जी, ये पुरानी रविश जो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सना भाई ने कहा कि अब हम जो है अंगूठा छाप लोग असेंबली में नहीं आए जी, शुक्रिया लांगो साहब, हमें अपने हकूक के आवाज उठाना भी आता है और हमें अपने लोगों के हकूक जो है छीनना भी आते हैं।